अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मंगलवार को जब सिरिफोर्ट ऑडिटोरियम में लोगों को संबोधित कर रहे थे तो वो भारत की महिला और युवा शक्ति का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने अपने बयान में महिला सशक्तिकरण को भी खूब तवज्जो दी। ओबामा ने महिला सशक्तिकरण के भारत के प्रयासों को सराहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम कोशिशों को अपना खुला समर्थन दिया। बराक ओबामा ने साफ गोई से कहा कि किसी भी देश की तरक्की महिलाओं की तरक्की से सीधे तौर पर जुड़ी है। And here's what we know from experience that nations are more successful when their women are successful. यही नहीं, ओबामा ने गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर दिखी महिला शक्ति की भी काफी खुले दिल से प्रशंसा की। 26 जनवरी की परेड में दिखी भारतीय महिला सैन्य अधिकारियों की मुस्तैदी ने भी ओबामा को जाहिर तौर पर काफी प्रभावित किया। One of the favorite things about this trip for me has been to see all these incredible Indian women in the armed forces, including the person who commanded the guard that greeted me when I arrived. महिला की बात हो और मिशेल का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। And as part of Michelle's work as First Lady, she's met with women and girls around the world, including here in India, to let them know that America believes in them too. सिरिफोर्ट ऑडिटोरियम के मंच पर ओबामा ने वह सब कहा जो भारत की महिला इस मंच से सुनने की उम्मीद रखती थी। शायद इसलिए भाषण खत्म होने के बाद उनके साथ सेल्फी खिंचवाने की होड़ में महिलाएं सबसे आगे रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।